बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंसर्ट टेबल। ठीक है, हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि टेबल को जो है वो इंसर्ट करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, दो तरीके से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है। हम दो डिस्कस क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल करना सीखेंगे। ठीक है, और दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और एक खुद से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास जो वर्जन मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो 2013 है, जो कि बिल्कुल आपके ऑलमोस्ट जो है वो 2010 से मिलता हुआ है। तो आपको इश्यू इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार इशू नहीं होगा। ठीक है, मैं अपनी जो है वो वर्ड की फाइल शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। हाँ, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट करके रखी हुई है। ये सपोज कर लें कि मैंने मतलब खुद से क्रिएट की हुई है। ठीक है, ये मैंने खुद से क्रिएट की हुई है, ये आप ऐसा समझ लें कि मैंने ये जो है वो मैंने खुद से क्रिएट की हुई है। टेबल होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लें कि टेबल बेसिकली हम कहते हैं किसको है। टेबल कुछ नहीं होता, जस्ट दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम्स, ठीक है, एंड सेकेंड रॉस। होते क्या है कॉलम्स एंड रॉस, जो भी ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टली आपको नज़र आ रहा है ना, ये सीरियल नंबर, टॉपिक, पेज, ये क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। मैंने ये कॉलम्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ना, जो वर्टिकली मैंने ये सारी चीज़ें जो क्रिएट की हुई है, ये क्या कहलाते हैं, रॉस कहलाते हैं। क्लियर है, ये रॉस कहलाते हैं, ऊपर जो है वो कॉलम्स कहलाते हैं। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हमारा टेबल। टेबल बेसिकली इन्हीं चीज़, अब ज़रूरी नहीं है तीन कॉलम्स हो, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जितनी भी कॉलम्स की नीड होगी आप उतने क्रिएट कर लेना। वो मैं भी आपको सिखाऊंगी, ये बनी बनाई चीज़ थी तो इसलिए मैंने इसको आपको इम्प्लीमेंट करके इस पे बता दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम अब करने के आ जाएंगे कि टेबल क्रिएट करना। अब हमने समझ समझ आ गया कि टेबल बोलते हैं किसको है। अब हम इसको जो है वो क्रिएट करना देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है टैप। ठीक है, हम अभी किस टैप पे काम कर रहे हैं, इंसर्ट टैप पे काम कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इंसर्ट टैब को ओपन किया तो मुझे एक आइकन नज़र आ रहा है टेबल का। क्लियर है, जैसे ही मैं इस टेबल को ओपन करूँगी तो मुझे एक आ रहा है लिखा हुआ, एक हेडिंग आ गई, इंसर्ट टेबल। ठीक है, ये वो तरीका है, ये जो है वो क्या तरीका है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब बनी बनाई चीज़ें। जस्ट मैं इस पर अपने कर्सर को एंटर प्रेस मारूँ, मतलब अपने माउस को डबल क्लिक कर दूंगी तो वो मुझे क्रिएट करके टेबल दे देगा। अभी मैंने कहा कि मुझे सपोज चार बच्चे हैं, उसके जो है वो एक में उसका नाम आए और चार जो है ना उसके सब्जेक्ट्स नेम आए, मतलब दो सब्जेक्ट नेम है और लास्ट में जो है वो टोटल आ जाए। ठीक है, और टोटल नंबर्स आ जाए, बस मैं ऐसे ही रैंडमली आपको समझा रही हूँ। और उसके जो सब्जेक्ट्स है ना, फर्स्ट जो है वो उसका नाम आए, सेकेंड आप इस तरीके से समझ लो कि सपोज मेरे पास जो है वो आप लोगों को जो कॉपी मिलते हैं होमवर्क के लिए, तो जैसे मैंने ऊपर वाले टेबल ऑफ कंटेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसी तरह का मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों को बता रही हूँ। तो क्या होता है इसमें, फर्स्ट जो है वो क्या हो जाता है, सीरियल नंबर हमारे टीचर रखवाते हैं, सेकेंड जो है वो उसमें टॉपिक नेम, थर्ड जो होता है वो उसमें पेज नंबर, और जो फोर्थ होता है उसमें अगर आपको डालना है तो साइन, टीचर जो साइन कर दे कि जिस साइन जो आपका होमवर्क हो गया है, और फिर जो है वो उस पर साइन कर दे टीचर, ऐसे ही होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने चार कॉलम्स क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे ही मैं चार कॉलम्स क्रिएट की हूँ, देखो आपको शो हो रहा होगा नीचे, वो ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब मैं रॉस कह रही हूँ, सपोज आपके फाइव सब्जेक्ट्स, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये क्या क्रिएट हो गए, आपकी रॉस क्रिएट हो गई है। लुक एट दिस, हो गई क्रिएट, सही, तब नजर आ रहे हैं। ऊपर आप कोई भी कॉलम सेट कर दो,
कॉलम्स नाम डाल दो कि आपको जो है वो सीरियल नंबर डालना है, या फिर जो है वो यहाँ पर टॉपिक डाल दो, यहाँ पर पेज नंबर डाल दो, मतलब जो आपको करना है। एक मिनट, पेज नंबर डाल दो, और यहाँ पर आप ऐसा करो कि सिग्नेचर के लिए टीचर के एक ऐसे डाल दो। मैंने रैंडमली डाल दिया, ठीक है। ये मैंने क्या क्रिएट किया अभी, मैंने जो है वो अभी कॉलम्स क्रिएट करे हैं। जैसे ही मैं इस वाले को डालते जाऊंगी तो यहाँ पर इसके रोज भी बन जाएंगे, मतलब एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मुझे जो है वो क्या करना है, अब सपोज जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे मुझे लग रहा है कि मुझे जो है मेरे कॉलम्स कम है, मुझे इसमें कॉलम्स, टेबल तो क्रिएट है, क्रिएट हुई हुई टेबल में मुझे अपने कॉलम्स को ऐड करना है। आप क्या करो, अपने जो भी आपका ये कर्सर है, माउस का जो कर्सर है, उसको लेके जाओ, उसमें एंटर कर दो। सपोज आपको यहाँ पे करना है, तो जैसे आप इस पे करोगे ना, आपको क्लास में ये इश्यू आ रहा था कि आप जो है वो सिलेक्ट यहाँ पे करे हुए थे और माउस को यहाँ लेके जा रहे थे, वैसे यहाँ से भी आ जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक वो वे बता दे रही हूँ ताकि आपको जो है वो मसला ना हो। जैसे आपने कर्सर को यहाँ पे लेकर जाओगे, उस कॉलम को वो कर लो, और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, इसको प्लस कर दो, ठीक है। यहाँ पे करना है, इसको वो करो, और यहाँ पर आओ देखो प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर करना है, इसको वो कर दो, मतलब अपने क्या नाम है, कर्सर को यहाँ लेकर आओ और टेक्स्ट के अंदर लेकर आ जाओ, और यहाँ पर आकर इसको प्लस कर दो। ये मैंने कॉलम्स क्रिएट करें, मतलब टेबल के अंदर कॉलम्स क्रिएट करें, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे लग रहा है कि मुझे रॉस को भी ऐड करना है, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, मुझे यहाँ पर रॉस ऐड करना है। जैसे ही मैं अपने कर्सर इसके नीचे लेकर आऊँगी तो ये क्या हो रहा है, रॉस ऐड हो रहा है, ठीक है। जितने चाहो रोज ऐड करते जाओ, ठीक है। इसमें अगर कोई मसला आ रहा हो क्रिएट करने में, तो ये मैं क्लास में दोबारा डिस्कस कर दूँगी, आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये था बाय डिफॉल्ट तरीका। अब मुझे जो है वो क्या करना है, एक मतलब प्रोफेशनली अब मुझे जो है वो खुद से क्रिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे। इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, नीचे ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। जैसे ही इंसर्ट टेबल आता है तो मुझसे पूछ रहा होता है नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं, आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। वहां पर देखो लिमिटेड था, ठीक है, वहां पर लिमिटेड बता रहा था कि आपके लिए ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल में इसमें 10 रोज एंड 10 कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप एक रेंज है, एक रेंज गिवन होती है यहाँ पर, वो मैं रेंज अभी बता देती हूँ। जैसे कि सपोज मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे 19 चाहिए, 19 कॉलम्स चाहिए मुझे, और मेरी रोज हो जाए 40 40 जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगी तो वो मुझे क्या करेगा, 19 कॉलम्स और 40 रोज क्रिएट कर कर दे देगा, ठीक है। ये नीचे आ गया पेज में, ये मैं समझना कि यहीं पर एंड है, ऐसा नहीं है, वो नीचे आ गया, ठीक है। इसकी जो रेंज है ना, इसकी जो रेंज है वो मेरे पास है, वो जो मेरे पास है ना, 1 से 63 किसकी, कॉलम्स की, क्योंकि वो पेजेस की विड्थ के हिसाब से दिया हुआ है, तो इस वजह से वो उसकी रेंज के बहन है, ठीक है। तो ये दोनों वे हमने देख लिया, क्रिएट करना देखा। अब यहाँ पे भी आप चाहो तो यहाँ पर भी रखोगे, तो यहाँ पर जैसे कि अगर मजीद कॉलम्स क्रिएट करने हैं, मजीद रॉस करनी है, देखो मतलब पहले कॉलम्स को के अंदर अपना कर्सर वो डाल दो, फिर कहीं पे भी जाकर आप कर दो, देखो प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। प्लस का साइन आएगा, क्रिएट करते जाओगे, क्रिएट होता जाएगा। रॉज ऐड करनी है, रॉज लाओ, रॉज पे ऐड कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। चीजें समझ आई, यहाँ तक कि कोई मसला। यहाँ पर जो है वो आई थिंक मैंने क्लास में भी यहीं तक चीजें की थी, इसके बाद मैंने कुछ मेरे ख्याल में किया नहीं है। तो और ये जो क्रिएट करने में इश्यू हो रहा था ना, तो इस इश्यू को भी जो है वो, अगर आप लोगों के पास ये मसला आ रहा है तो आप लोग देख लेना, कोई इश्यू नहीं है, हम क्लास में भी इसको एक बार और डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्लास में यही देखा था, टेबल क्रिएट करना, टेबल को इंसर्ट करना। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम टेबल को डिज़ाइन देखेंगे, टेबल्स को बॉर्डर किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं वो देखेंगे, और मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे।
ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो भी आप लोगों को कोई भी चीज़ पूछना हो, आप लोग मुझसे जो है वो क्वेश्चन आप लोग ड्रॉप कर देना, व्हाट्सएप पे भी ड्रॉप कर सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, आप लोग मुझसे कह दो कि टीचर मतलब ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं व्हाट्सएप पे देख लूँगी। तो जब मैं क्लास स्टार्ट होगी ना, तो मैं क्लास से पहले उस चीज़ों को लेकर चल जाऊँगी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ना आपका ना मेरा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह नेकबा।